तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर थाकर रूपे। और आज मैं एक अमेजोन प्राइम की मूवी लेके आया हूँ जिस मूवी का नाम है सनी। और इस मूवी को हमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, और ये मूवी हमको ऐसा क्या नया दिखाती है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मूवी को देखते समय, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए रिव्यू शुरू करते हैं। और भाई इस मूवी के बारे में बताने से पहले एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में जितने भी लोग हैं ना भाई, उन्होंने अपनी लाइफ एंजॉय की या नहीं, तो बहुत से सामने वाले भाई मेरे को गाली दे रहे होंगे, भाई क्या छूतियापंती वाली बातें कर रहा है साले, इतनी मुश्किल से तो वो दिन निकले हैं। और जो पुलिस वाले भाई पकड़ के मारते थे वो अलग है। और भाई लॉकडाउन में सबसे बड़ी चीज लोगों को दो ही चीज की नीड थी, एक दारू एक खाना। और भाई और ये चीजें बड़ी मुश्किल से मिल रही थी, खाना तो कैसे ना कैसे मिल रहा था। और सोचो यार, दारू के लिए मैंने डबल रेट पे किया था, आई थिंक अपने बड़े भाई के लिए मंगवाई थी मैंने वो दारू, और ये लॉकडाउन के दिन इतने मुश्किल से निकले। और सोचो यार, पुलिस वाले यार फिर फालतू में मार रहे थे, मैंने घर से निकल के सिर्फ गली में मैं बैट बॉल ही खेल रहा था, इतने में भाई पुलिस वालों ने घेर लिया हम पांच मेंबरों को, और भाई जो मारा ना भाई कसम से डंडियां छप गई है। और ये पूरी मूवी इसी के ऊपर बेस होने वाली है, लॉकडाउन के ऊपर। इस मूवी में जो सनी का कैरेक्टर है वो दुबई में रहता है और वो अपने बिजनेस के काम से कहीं जा रहा था, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से ना वो किसी फाइव स्टार होटल में ठहर जाता है। लेकिन उसके पास ना एक बोतल होती है अल्कोहलिक की, जिससे वो अपने कुछ दिन गुजार लेता है। और जैसे जैसे भाई धीरे धीरे दिन बीतते ना, वैसे वैसे वो बोतल खत्म होने लगती है। और वो जो होटल का स्टाफ है ना, उनको बोलता है कि मुझे बोतल की जरूरत है, मुझे सर ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, यहाँ भी सर हम अल्कोहलिक प्रोवाइड नहीं कर सकते, हाई इंस्ट्रक्शन है। और जो भी पर्सन खाना देने आता है ना, तो जो सनी का कैरेक्टर ना उस वेटर के पास भागता है कि भाई मैं तुमको 10,000 रुपए दूंगा, कहीं से भी अल्कोहलिक की बोतल लिया। लेकिन भाई वो वहां पे रुकता नहीं है, क्योंकि पता है कि भाई किसी को भी शायद कोविड हो सकता है, तो भाई अपना खाना देके वहां से निकलो। और ये सारी चीजें आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। लेकिन इस मूवी में जो सनी का कैरेक्टर है वो थोड़ा भाई टेंशन में होता है, क्योंकि उसका एक फ्रेंड होता है जो उससे पैसे देने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि मैं तेरे पैसे वापस दे दूंगा, लेकिन भाई सिचुएशन थोड़ी हैंडल होने दे, मैं तेरा भिजवा दूंगा। लेकिन वो बोलता है अगर मेरे पास पैसे नहीं आए ना, तो मैं तेरा यहाँ पे अंतिम संस्कार करवा दूंगा। और सनी की जो बीवी होती है ना, वो पेट से होती है ये, और वो सोचता है कि मुझे उसके पास होना था, लेकिन वो फाइव स्टार होटल में फंसा हुआ है। और उस सनी के कैरेक्टर को ना भाई दारू की इतनी तलब लग जाती है ना, कि भाई वो एक कॉप को फोन लगा देता है कि भाई मेरे लिए दारू भिजवा दो कैसे ना कैसे। तो वो पुलिस वाला होता है ना, वो बोलता है कि तेरे को पता है कि तूने कहाँ कॉल लगाया है, और अगर तेरा फिर से कॉल आया ना तेरे को बहुत मारूंगा मैं। सनी का जो कैरेक्टर होता है उनसे माफी मांगता है कि सर सॉरी सॉरी, लेकिन मेरे को किसी भी तरह से सर इंतजाम करवा दीजिए, मुझे बहुत जरूरी है। और होटल में आने से पहले ना उसने कुछ ऐसी जगह खाना खा लिया था जो शायद खाना खराब था, तो वहाँ से बार बार फोन आया जा रहा था कि सर आपकी कंडीशन तो ठीक है ना, आपकी हेल्थ तो ठीक है ना, आपके कोई सिम्टम्स तो नजर नहीं आ रहे, और अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो आप हमको बता दीजिएगा। इस मूवी में जो सूर्या के कैरेक्टर है भाई, उनकी एक्टिंग मुझे बहुत लाजवाब लगी, और भाई इनका और इस मूवी का डायरेक्शन बहुत ऑसम है। और इस मूवी की स्टोरी भाई बहुत ही इम्प्रेसिव और न्यू और यूनिक लगी, क्योंकि एक छोटी सी स्टोरी को कैसे एक तरह से मजबूत सा पिलर दिया है आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। सूर्या के कैरेक्टर जब रूम में होते हैं ना, तब उसको नाइटमेयर आ रहे होते हैं और बहुत सी उल्टी भी हो रही होती है, और वो सोचता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, मेरे लाइफ में कुछ बचा नहीं है, और बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है बार बार। और सनी का जो कैरेक्टर है ना, वो सुसाइड करेगा या नहीं आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। और जो सनी की जो बीवी होती है ना, जो पेट से होती है, और जब उसको पेट का दर्द शुरू हो जाता है ना, तो वो हॉस्पिटल में बच पाएगी या नहीं, या कोविड-19 की वजह से वो पेशेंट को लेने से मना कर देंगे, आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। और ये मूवी आपको सिर्फ मलयालम में देखने को मिलेगी, इस मूवी का भी हिंदी डब वर्जन अवेलेबल नहीं है। इस मूवी का भाई स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, डायलॉग डिलीवरी भाई एकदम औसम है। और इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक की तो भाई कहने की कोई बात नहीं, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही औसम है। और पूरी मूवी में ना आपको कुल मिला के 3 या 4 कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, जितने भी कैरेक्टर ना वो सिर्फ फोन पे बात करते हैं सूर्य से कि ये सिचुएशन हो गई है, ये अपडेटेशन हो गया है, ये फाइल यहाँ तक पहुंची है, ये सारी चीजें आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा वरना आपका इस मूवी का देखने का मज़ा ख़राब हो जाएगा। और अगर आपने मूवी देखी है ना, आपको कैसे लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।